हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। वेलकम करती हूँ बिंदु द्विवेदी लाइफ स्टाइल व्लॉग में। और आप सोच रहे हैं ऐसा चेहरा क्यों बनाया, तो मैं बता दूँ, मैं स्लिप पकड़ रखी हूँ। मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास में, क्योंकि मैं मेडिसिन ले लेती हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। तो अब एक मतलब डॉक्टर को दिखाऊंगी, जब प्रॉपरली बताऊंगी उनको, क्योंकि उन्होंने लगा कि पहले ये नॉर्मल है, पर अब वो मेडिसिन देंगे तो शायद ठीक हो जाएगा। तो दोबारा, क्योंकि जल्दी ट्रीटमेंट जो है छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तो एक ही दिन हुआ है। मुझे पता है कि 2-3 दिन 4 दिन लगेंगे इसमें। तो चलती हूँ डॉक्टर को दिखा के आती हूँ, क्योंकि ये काम बहुत जरूरी है, उसके बाद आके घर का काम करूंगी। और मैं घर आ गई हूँ। बहुत सारी दवाइयाँ हैं, ये भी है और बहुत सारी है, तो इतनी सारी दवाइयाँ डॉक्टर ने दे दी हैं खाने के लिए, क्योंकि गले में काफ़ी परेशानी है। तो उन्होंने बोला इन्फेक्शन थोड़ा सा बड़ा है, इस वजह से उन्होंने मेडिसिन दे दी है, और गर्म पानी और प्रिकॉशन लेने के लिए कहा है। तो वो तो मैं लूँगी तो खा लेती हूँ दवाइयाँ, ताकि मुझे कुछ रिलैक्स हो जाए कम से कम। तो पर ये है कि थोड़ा फीवर जो कल था वो आज नहीं है, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा राहत है, क्योंकि बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। और फ्रेंड, दवाई खाने के बाद जो है मैंने जो है आधे घंटे आराम किया है, ताकि दवाई का असर हो जाए। दवाई के असर होने के बाद थोड़ा सा मेरा काम करने में मन लगेगा, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी हल्की हो जाएगी। और यहाँ पर मैं सरसों का साग बना रही, जिसमें मैं जो है बेसन या मक्के का आटा जरूर डालती हूँ, क्योंकि उससे थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। वैसे सरसों का साग और रोटी बनाऊँगी मैं, क्योंकि चावल वगैरह नहीं बनाऊँगी, क्योंकि तबीयत गले में सबके प्रॉब्लम है। तो मैं जो है इस तरह से रोटियाँ ही बनाऊँगी, क्योंकि रोटी खाने से बेटर रहेगा, कफ वगैरह का चांस नहीं रहेगा, वरना चावल में तो बहुत दिक्कत होती है। और देखिए, कहते हैं कि कितना भी हम बीमार पड़ जाएं, कुछ भी पड़ जाएं, पर औरत जो है वो हिम्मत नहीं हारती है, क्योंकि कहते हैं ना कि कोमल है पर कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। तो वही जो है सब लेडीज़ के साथ में होता है, कि कोई भी लेडीज़ जो है हाउस वाइफ हो, वो अपने घर के काम को तब तक करती रहती है जब तक कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि वो उसको डॉक्टर जब तक बेड रेस्ट ना बोल दे। तो फिलहाल गले में तो मुझे काफ़ी तकलीफ थी, पर दवाइयों की वजह से रिलैक्स है, और रिलैक्स होने की वजह से यहाँ पर मैंने कहा कि चलो खाना पहले बना लेती हूँ, क्योंकि अभी इस फ्लोर का तो मैंने काम कर दिया है, साफ़ सफाई यहाँ की कर ली है, पर नीचे वाले फ्लोर जो है उसकी साफ़ सफाई नहीं की है, क्योंकि तबीयत ठीक ना होने से मैं थोड़ा सा लेट से उठी थी, और लेट से उठने के बाद सब कुछ फिर थोड़ा सा लेट हो गया है। और अब यहाँ पर मैं नीचे फ्लोर पे मतलब साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि नीचे वाला फ्लोर मैंने साफ़ नहीं किया था। तो मैंने कहा कि लाओ मैं नीचे वाले फ्लोर पे साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि आपको बता दूँ, जिसको सफाई पसंद होती है ना, वो चाहे यहाँ हो चाहे कहीं पर भी हो, चाहे वो ससुराल रहे चाहे वो मायके रहे चाहे वो अपने घर में रहे, कहीं भी रहे ना, उसको आदत होती है, चाहे जितना बीमार पड़ जाए। और मैं थोड़ा सा भी अगर बीमार पड़ने के बाद मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाती है, तो फिर से मैं काम में लग जाती हूँ, जबकि थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, रेस्ट करने से बॉडी और रिलैक्स हो जाती है। पर ये जानने के बावजूद भी मैं जो अपने आप को रोक नहीं पाती और बस लग जाती हूँ काम में, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ भी अगर गंदा रह जाता है तो मेरे दिमाग में वो चीज़ घूमती रहती है, पता नहीं कैसी ये मेरी गंदी आदत है, तो मैं इसको जो है अब सुधार नहीं सकती मैं, बल्कि काम में तो लगी रहती हूँ। और मैं नीचे वाला फ्लोर साफ़ कर लूँगी, उसके बाद बच्चे का थर्ड फ्लोर अगर मेरी हिम्मत होगी, मेरी तबीयत ठीक होगी, तब मैं जाऊँगी थर्ड फ्लोर साफ़ करने के लिए, नहीं तो मैं फिर उसे कल साफ़ कर दूँगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत टाइम लगता है। वो टेरेस है जिसमें गार्डन पौधे वगैरह हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और ऊपर सामान भी काफ़ी फैला हुआ है, कपड़े भी काफ़ी धोने बचे हुए। तो फिलहाल ये वाला फ्लोर साफ़ हो गया है, और साफ़ करने के बाद अब मैं जाऊंगी ऊपर वाले फ्लोर पे। अब थोड़ा सा रेस्ट लूंगी, क्योंकि रेस्ट लेना भी मुझे ज़रूरी है अपनी तबीयत ठीक करने के लिए। सो फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ बिल्कुल ठीक, क्योंकि आपकी दुआओं और आपकी ब्लेसिंग्स का बहुत असर है मुझ पर। और कहते हैं ना, दवाइयों के साथ दुआओं का होना जरूरी है, तो जो मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे दी हैं, और अविष्का भी कहती थी कि मम्मा जल्दी ठीक हो जाओ, तो कहते हैं बहुत सारी दुआएं और बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारे आशीर्वाद मेरे साथ थे, तो मैं ठीक हो गई हूँ। और थोड़ा बहुत चक्कर आ रहा है मुझे दवाइयों के हैवी डोज की वजह से, पर हाँ, पर वैसे फिलहाल आपको चेहरे से देखने लग रहा होगा कि मैं काफ़ी हद तक रिलैक्स हो गई हूँ। तो बस मैं रिलैक्स होने के बाद मैं डाल रही हूँ बिंदास बिंदु चैनल पे पीटीएम व्लॉग डाल रही हूँ, क्योंकि मेरा टीचर वाला जो एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे पीटीएम ना पीटीएम की डिफरेंट टाइप्स के पेरेंट्स का पीटीएम जो है वो मैंने डाला हुआ है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। आई होप सो आपको पसंद आएगा। और अविष्का का मन कर रहा था कि वो अविष्का जो है कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि समोसे लाने के लिए। फिलहाल उनको भेजे हुए 4 बजे से लेकर के अब 5:30 बज गए, पूरे 1.5 घंटे हो गए,
मेरे हस्बैंड बता दूं, मेरे हस्बैंड की बातें करने की बहुत आदत है और ये गंदी आदत से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। कोई भी रास्ते मिल जाता है वो उनसे बातें इतना ज्यादा करते हैं कि वो भूल जाते हैं फिर कि घर पे कुछ हम बोला गया था। और इस चक्कर में मैंने अविष्कार के लिए थोड़ी सी पकौड़ियाँ बनाई हैं, क्योंकि बच्चे का मन जो है माँ नहीं टाल सकती है, और उसका हालांकि समोसे खाने का मन था। अगर मैं बाहर जाऊँगी तो जरूर लेकर आऊँगी, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि इनके पापा जो है कहीं बातों में फंस गए हैं, और जब बातों में फंस जाते हैं तो उनको फिर कुछ जहान का होश नहीं रहता। कहते हैं लोग, कहते हैं कि औरतें ही बातें करती हैं, पर मेरे घर में उल्टा है। मेरे हस्बैंड इतना ज़्यादा बातें करते हैं, इतना ज़्यादा बातें करते हैं, चाहे वो फ़ोन पे हो चाहे वो लोगों के बीच में हो। कहते ये बीमारी हमको थी पहले ना, ये अब आदमियों को लग गई है। ये मैंने तैयार कर दिए हैं गरम गरम पकौड़ियाँ अविष्का के लिए, और सिर्फ अविष्का के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए नहीं बनाया, क्योंकि क्या फ़ायदा जब आपसे समोसे डेढ़ घंटे हो गए, डेढ़ नहीं बल्कि 1 घंटे 45 मिनट हो गए। आप घड़ी देख सकते हैं, 1 घंटे पूरे 45 मिनट हुए हैं जब से मैंने उनको भेजा है समोसे लाने के लिए। कहते हैं तौबा तौबा, आदमी भी बहुत बातें करने लगे आजकल। और यहाँ पर ले आए हैं हस्बैंड जो है सब्जी लेकर आए थे, और वो काफ़ी सब्जियाँ लेकर आ गए हैं, जबकि मैं इनको बोलती हूँ कि थोड़ी थोड़ी सब्जी लाया करिए, पर वो पता नहीं क्या है उनका मूड जो है ना, जब लाते हैं तो फिर बहुत सारी सब्जियाँ ला जाते हैं। तो मैंने चलो इसको फ्रिज के कंटेनर में मैं लगा लेती हूँ। और ये जो पत्ता गोभी और शिमला मिर्च मेरे घर में अक्सर आपको दिखेगी, क्योंकि हमारे यहाँ माइक्रोनी बहुत खाने का सबका मन है, और लाने के बावजूद भी मैं माइक्रोनी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि सबके गले में प्रॉब्लम है, और माइक्रोनी वगैरह में या पास्ता वगैरह में जो है बहुत सारे विनेगर्स वगैरह पड़ते हैं, मतलब सिरका वगैरह पड़ता है जो कि नुकसान करता है। तो मैं ये जितना भी ये लोग बार बार देखे ला रहे हैं कि सारा सामान इकट्ठा कर दे रहे हैं मेरे हस्बैंड की माइक्रोनी बना दे या पास्ता बना दे, तो मैं नहीं बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड जानते हैं कि मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, क्योंकि कुछ जब तबीयत ठीक हो जाएगी तब बनाऊँगी, पर अभी नहीं बनाऊँगी फिलहाल। और साथ ही साथ जो है वो ये जो भिंडी देख रहे हैं ना, जिसको मैं अभी जो है यहाँ पर रख रही हूँ साइड में, और ये भिंडी जो है मैंने यहाँ पर रखी है, पर कुछ देर बाद आपको यहाँ से गायब नज़र आएगी। और फिर इस भिंडी को हमने इतना ढूंढा और इतना ढूंढा कि पूछिए मत, फिर ये भिंडी कहाँ मिली है ना आपको मैं व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि हम खुद इस भिंडी को 1 घंटे बाद ढूंढने के बाद भी हमें भिंडी पता चली कि कहाँ चली गई है। और देखिए अभी भी यहीं रखी हुई है, क्योंकि वीडियो में थी तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे जरूर तुमने भिंडी की सब्जी काट के कहीं रख दी होगी, पर क्योंकि वीडियो में होता है तो मैं प्रूफ कर पाती हूँ कि नहीं भाई, मैंने भिंडी कहीं पर रखी थी और यहाँ से गायब हो गई है। तो मैं देखिएगा फिलहाल मेरे वीडियो में कि ये भिंडी कहाँ चली गई और कहाँ से मिली है। और यहाँ पर अविष्का के लिए मैं दवाई निकाल लेती हूँ, क्योंकि अविष्का जो है दवाई खाने में बहुत कचूसी करती है। और फ्रेंड्स मेरी तबीयत तो ठीक हो गई, पर मेरी तबीयत के साथ साथ अभी भी दवाइयाँ हमारे घर में अवेलेबल हैं, और ये दवाइयाँ अविष्का खाएंगी, क्योंकि अविष्का को भी हमारे बीच से क्योंकि बगल में लेटती है ना, तो कोई ना कोई इन्फेक्शन तो होना ही होना था। तो अब उसके गले में ऐसी प्रॉब्लम हो गई है और खांसी शुरू हो गई है, तो पहले से ही मैंने मेडिसिन लाना शुरू कर दिया है, मतलब कि मेडिसिन ले आई थी डॉक्टर से और खाएगी। अभी जैसे ही मैं उसको कहती हूँ दवाई खाने के लिए ना, भाग जाती है, अब मैं उसको पकड़ के दवाई खिलाती हूँ, उसको दवाई खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहाँ गई? और फाइनली अविष्का पकड़ में आ गई है, चल खा लो दवाई, बिल्कुल दवाई नहीं खाना चाहती है, खा लो जल्दी ठीक हो जाओगे। दवाई है, भगवान जी का प्रसाद नहीं है। चलो चलो फटाफट फिनिश करो, गो पिलो, गट्ट कर जाओ, ऊपर करके गट्ट कर जाओ फटाक से, कर जाओ, मुंह में कैप्सूल है घुल जाएगी, अंदर करो, करो गट, और पानी पियो। चलो फाइनली चली गई इनकी दवाई। और ये देखिए कंप्यूटर के पास से ये यहाँ पर कितनी भिंडी चूहा लेकर आया, बाबा रे, लाई लाई उठा के लाई, देखो हाँ। और 1 घंटे ढूंढने के बाद मुझे ये भिंडी मिली है, और मैं प्रूफ कर पाई हूँ कि मैंने भिंडी फिलहाल नहीं काट के कहीं रखी हुई है। और हमारे यहाँ के पता नहीं कैसे चूहे हो गए हैं, कि पहले तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि भिंडी चूहे भी मतलब खा सकते हैं, तो फिलहाल ऐसा ही होने लगा है, क्योंकि मुझे लगा भिंडी बाहर रखने में ठीक है, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे बनाना था, तो मैंने कहा फ्रिज में इतना जगह जगह नहीं थी बहुत ज्यादा, तो मैंने भिंडी की पॉलिथीन थी। और यहाँ पर कितनी बची है ये,
तो फिलहाल फाइनली मतलब होता क्या है, इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर करना पड़ता है, बहुत पुश करना पड़ता है दवाई खाने के लिए, तो बस सोने का टाइम हो गया है, तो चलिए अब सोते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि सबके घर में सब लोग अच्छे रहें, भगवान करें, मतलब कि भगवान से बस तहे दिल से प्रार्थना यही करती हूँ कि भगवान सबको अच्छा अच्छा रखें। और इस समय पोल्यूशन हो गया, पोल्यूशन के चक्कर में अभी स्कूलों की छुट्टियाँ भी बोली जा रही हैं, पर ये क्योंकि वो सीनियर क्लास में है, क्योंकि सिक्स क्लास जो सीनियर होता है, तो शायद इनके यहाँ छुट्टियाँ ना हो। फिलहाल मास्क वगैरह जो है वो अलाउ कर दिया गया फिर से। तो चलिए इसी के साथ सबकी मतलब कहते हैं कि सबके सबका घर खुशहाल रहे, इसकी जो है कामना करते हुए भगवान से आज के लिए विदा लेते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको व्लॉग पसंद आएगा, और बस इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे परिवार बन करके। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।